इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखा है और इस पत्र में जिक्र किया गया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर होर्डिंग है उनसे उन्हें दूर रखा जाए। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ की तस्वीर इन पोस्टर होर्डिंग पर लगाई जाए लेकिन उनकी तस्वीर ना लगाई जाए, उन्हें इससे दूर रखा जाए। दिग्विजय सिंह ने तर्क दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की जा रही सामग्री में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ प्रदेश अध्यक्ष के नाते कमलनाथ की फोटो का उपयोग किया जाना उचित होगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह देश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तस्वीर को लगाने से मना किया है और इसके लिए पत्र लिखा है, कमलनाथ को पत्र लिखा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विगत सितंबर माह में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। दिसंबर में यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और निमाड़ अंचल के बुरहानपुर से लेकर मालवा क्षेत्र के आगर मालवा जिले से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश में सफल बनाने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला स्तर पर यात्रा की तैयारियों के लिए जिला यात्रा प्रभारियों को तैनात कर जवाबदारी दी है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया है कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा के जो पोस्टर होर्डिंग है उससे दूर रखें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की भी तस्वीर लगाएं लेकिन उनको दूर रखा जाए।